दोस्तों अगर आप भी कॉनवे और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम की जीत के बाद डेविन कॉनवे ने दिया है महेंद्र सिंह धोनी के साथ भारत पर दिल जीत लेने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेविन कॉनवे का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान इंग्लैंड को हराने के बाद उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और भारत को लेकर एक बयान जारी कर दिया है, जो आपके भी दिल को छुलेगा। तो आखिरकार इंग्लैंड को हराने के बाद कॉनवे ने भारत और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्या कहा, या तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, डेविन कॉनवे और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड कप ओपनिंग मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जो पिछले 2019 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट थी। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम को 282 रन 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में रोक दिया गया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम मैदान में उतरी तो न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच को आसानी से जीत लिया, जहां पर रवेन और कॉनवे दोनों ने काफी बेहतरीन साझेदारी करते हुए मैच को एक तरफा कर दिया। इस दौरान दोनों ने शतक लगाया, लेकिन इसी बीच डेविन कॉनवे ने शतक लगाकर इंग्लैंड को हराने के बाद भारत और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें डेविन कॉनवे ने बयान देते हुए कहा, इस बार का वर्ल्ड कप वास्तव में काफी ज्यादा रोमांचक रहने वाला है। इस वर्ल्ड कप के अंदर पहले ही मैच में हमारी न्यूजीलैंड की टीम ने दिखा दिया कि इंग्लैंड की टीम बेशक डिफेंडिंग चैंपियन हो, लेकिन हमारी टीम जीतने के लिए मैदान पर उतर रही है। हमारी टीम को पिछले दो वर्ल्ड कप से जितनी एक कदम दूर रहने का जख्म सहना पड़ा था, लेकिन इस बार हमारी न्यूजीलैंड की टीम बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से इस मैच में सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, साथ में बल्लेबाजों का भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके चलते हमारी न्यूजीलैंड की टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम को बुरी तरीके से हरा दिया है। इस मैच में मुझे काफी ज्यादा बल्लेबाजी करने में आनंद आया है। भारत की सरजमी पर कंडीशन को मैं बेहतरीन तरीके से जानता हूँ, जिसका फायदा मुझे मिला है और इसका भरपूर फायदा मैंने इस मैच में उठाया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर हमने वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला तो पूरा किया है, साथ में भारतीय टीम का बदला भी ले लिया है। भारतीय टीम को पिछले साल इंग्लैंड की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हराकर बाहर कर दिया था और बुरी तरीके से हराकर भारत पर कलंक लगाया था, लेकिन अब उस कलंक को इंग्लैंड के ऊपर दोबारा से लगा दिया गया है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भारत को हराने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रही थी। ऐसे में अब हमने एक तरफ अंदाज में इंग्लैंड को हराकर इंग्लैंड की बेइज्जती करा दी है। और इसके अलावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि ये मैच तो हम भारतीय टीम के लिए जीते हैं और अपने वर्ल्ड कप का बदला भी पूरा किया है, साथ ही इस मैच में मेरी पारी के पीछे धोनी का हाथ है। इस कंडीशन पर मेरा बेहतर प्रदर्शन कर पाना महेंद्र सिंह धोनी की वजह से संभव हुआ है, क्योंकि धोनी ने मुझे IPL में काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिसके चलते मैं बेहतर प्रदर्शन कर पाया हूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम को हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।